चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण लंपी वायरस कल हुई नीति आयोग की बैठक पर उन्होंने जानकारी दी। साथ ही उन्होंने आरिफ मसूद के कार्यक्रम पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक इस प्रकार के बयान देकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश के शहीदों को धर्म में बांटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश में नियंत्रण में है, कहीं ऐसी दिक्कत नहीं है। एक संतोष की बात और है कि जिनको भी कोरोना संक्रमण हुआ है उनकी तबीयत ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पर उसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाता है। जब हम हमारे शहीदों को धर्म में बांटेंगे, देश की व्यवस्था को धर्म और जाति में बांटेंगे, तो फिर आप मानसिकता समझ सकते हो। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है यदि कांग्रेस का विधायक इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति, फिर वही मुस्लिम परस्ती। मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, कोई भी देश से प्यार करने वाला वो देश के लिए सर्वोपरि है। हम धर्म नहीं देखते और धर्म किसी को देखना भी नहीं चाहिए। यदि इस तरह की बात उन्होंने बयान दिया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। हम यदि शहीदों को, हमारे पूर्वजों को यदि धर्म में बांटेंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी को सही संदेश नहीं जाएगा। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके पूरे प्रयास हो रहे हैं। और हम संघीय ढांचे की बात करते हैं तो देश में किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर प्रदेश भी उसमें पूरी तरह से सहभागिता रखे। और इसलिए ज़रूरी है कि यदि हमें देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया वो निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। अभी इस तरह का कोई केस मध्य प्रदेश में फाइंड आउट नहीं हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर तरह के सीजनल हो या किसी और तरह की बीमारी हो, उसकी रोकथाम के और उसके इलाज के समुचित निर्देश दिए गए हैं और सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त।